नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप किस तरह से पुराने मार्कशीट को या फिर आप रिजल्ट कह सकते हैं उसे आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, इसे देखने के लिए आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, बस आपके पास एक मोबाइल फ़ोन होना ज़रूरी है। आप अपने मोबाइल फ़ोन से घर बैठे देख सकते हैं, चाहे वो हाई स्कूल का रिजल्ट हो चाहे वो इंटरमीडिएट का। तो दोस्तों, आप किसका रिजल्ट देखना चाहते हैं वो कमेंट करके ज़रूर बताइए। हाई स्कूल का अगर देखना चाहते हैं तो हाई स्कूल का कमेंट कीजिए, और अगर इंटरमीडिएट का देखना चाहते हैं तो आप इंटरमीडिएट लिखिए। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग से एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और साथ में के लिए सबसे पहले इस वेबसाइट में आना होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो वेबसाइट है इसमें आना होगा। तो दोस्तों, इसका जो लिंक है हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप उसमें क्लिक करके इस पेज में आ सकते हैं। तो दोस्तों, इस पेज में आने के बाद यहाँ पर आपको सिंपल से इस थ्री डॉट में आपको क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो थ्री लाइन है इसमें आपको सिंपल से क्लिक करना है। यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे आप लोगों के सामने कुछ इस तरह से खुल जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक सेक्शन बना हुआ है परीक्षा फल का। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये परीक्षा फल के ऑप्शन में आपको सिंपल से आपको क्लिक करना पड़ेगा। तो चलिए मैं क्लिक करता हूँ। आप जैसे ही इसमें क्लिक करेंगे आप लोगों के सामने कुछ इस तरह से खुल जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों कि आपको यहाँ पर समस्त परीक्षाफल यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। यहाँ थोड़ा सा नीचे आएंगे, थोड़ा सा नीचे आने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हाई स्कूल कक्षा 10 का परीक्षाफल वर्ष 2020 का अगर देखना चाहते हैं तो इस लिंक में आपको खोलना होगा। अगर आप इससे भी पुराना देखना चाहते हैं, जैसे नीचे आएंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हाई स्कूल कक्षा 10 का परीक्षाफल वर्ष 2015 से 2019 के बीच में अगर आप देखना चाहते हैं तो इस ऑप्शन में जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 12 से 14 के बीच अगर देखना चाहते हैं तो इस ऑप्शन में जाएंगे। उसके बाद नीचे जैसे आएंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको जिस भी ब्रश का आप देखना चाहते हैं आप यहाँ से अपने हिसाब से क्लिक कर लें कि आप कौन सा ईयर का देखना चाहते हैं। उसके नीचे आएंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर आप इंटरमीडिएट का देखना चाहते हैं तो आपको इंटरमीडिएट कक्षा 12 का भी देखने को यहाँ से ऑप्शन आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों, कमेंट करके आप ज़रूर बताएँ कि आप कौन सा इंटरमीडिएट या हाई स्कूल का देखना चाहते हैं, तो कमेंट में ज़रूर लिखें। दोस्तों, यहाँ पर मैं मैट्रिक 2008 का देखना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर इसमें इस ऑप्शन में हम क्लिक करेंगे सिंपल सी हाई स्कूल का अच्छा 10 का परीक्षाफल। तो इस ऑप्शन में आप जैसे ही क्लिक करेंगे इस लिंक में तो कुछ इस तरह से खुल जाएगा। तो यहाँ पर खोलने के बाद यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले परीक्षा वर्ष आप किस ईयर का देखना चाहते हैं, उसके बाद उसका जो रोल नंबर है यहाँ पर आपको डाल देना है 7 डिजिट का रोल नंबर। उसके बाद ये जो सिक्योरिटी कोड है यहाँ आपको डाल देना है। ये वाला देख सकते हैं कि सिक्योरिटी कोड यहाँ पर आपको नीचे में देखने को मिल जाएगा, ये सिक्योरिटी कोड डाल देना होगा। उसके बाद आपको सिंपल से व्यू रिजल्ट में क्लिक करने है। तो चलिए मैं आप फटाफट से यहाँ पर भर देता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले मैं 2008 सिलेक्ट कर ले रहा हूँ क्योंकि मैं 8 का देखना चाहता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, मैंने अपना परीक्षा वर्ष यहाँ से सिलेक्ट कर लिए हैं। उसके बाद अपना रोल नंबर भी डाल दिया है, उसके बाद सुरक्षा कोड जो सिक्योरिटी कोड होता है वो भी डाल दिया है। उसके बाद हम सिंपल से इसमें इस ऑप्शन में व्यू रिजल्ट के यहाँ क्लिक करेंगे। तो आप जैसे क्लिक करेंगे आप लोगों के सामने पूरा रिजल्ट खोल के आ जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो कैंडिडेट का नाम यहाँ पर आपको दिखाई देगा, उसके बाद मदर्स नेम, उसके बाद फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ क्या है, डिस्ट्रिक्ट स्कूल कोड क्या है, ये सारे चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद नीचे आएंगे यहाँ पर आपको मार्क्स डिटेल्स दिखाई को मिल जाएगा, देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मार्क्स का जो डिटेल है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पूरा यहाँ पर पूरा आपका हिंदी इंग्लिश मैथमेटिक्स इसमें जिसमें जितना है यहाँ पर आपको सब कुछ यहाँ पर आपको रिजल्ट के जैसे दिखाई देगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस तरह से आप किसी का भी रिजल्ट पुराने से पुराने रिजल्ट को आप यहाँ से देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जिसका जो रिजल्ट यहाँ पर फेल है, यानी कि ये जो है रिजल्ट में इसका फेल बताया है, ये इसका फेल है, यानी कि इस तरह से आप किसी का भी रिजल्ट को आप आसानी से देख सकते हैं घर बैठे अपने मोबाइल से। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, पुराने से पुराने रिजल्ट को आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको बता देना चाहता हूँ कि आप कमेंट नहीं करते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप कौन से रिजल्ट देखना चाहते हैं, हाई स्कूल या इंटरमीडिएट। और दोस्तों, इस तरह का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए।